थाना वृंदावन की चौकी रमणेती के गांव बरहेरा में बदमाशों ने की पुलिस पर कई राउंड फायरिंग। मिली जानकारी के अनुसार गांव बरहेरा में बबल उर्फ अजय पुत्र लीला का गांव के लाखन पुत्र भगवान सिंह से काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। सोमवार को बबल कुछ बदमाशों के साथ मिलकर महावीर और सुभाष के घर पहुंचा और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। इसकी सूचना महावीर ने डायल 100 को दी। गांव में जैसे ही डायल 100 पुलिस की गाड़ी पहुंची तो बदमाश पुलिस को देखकर भाग निकले। भागते हुए बदमाशों को पुलिस ने जैसे ही घिराव करना चाहा तो बदमाशों ने देसी राइफल से पुलिस पर कई राउंड फायर कर दिए और देसी 315 बोर की राइफल को खेत में छोड़कर यमुना खादर की ओर भाग निकले। पुलिस पर फायरिंग की सूचना मिलते ही कई थाने चौकियों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। आरोपी की जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उसके घर से एक 315 बोर की पेनिया और मिली। वहीं सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी सहित एसएसपी शलभ माथुर ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। ये एक बरहेरा गांव पड़ता है थाना वृंदावन के अंदर। यहाँ पर पीआरबी को एक सूचना मिली थी एक व्यक्ति द्वारा कि उसके जानने वाले लोग ही उसको जो है धमकी दे रहे हैं इत्यादि चीज़ें हैं। और जब पीआरबी यहाँ पर पहुँची है सूचना के ऊपर तो आगे जब पहुँचे हैं तो उन लोगों के द्वारा एक हवाई फायर किया गया और उसके बाद उनको चेस किया गया तो वो अपना वेपन छोड़ के भाग गए। टोटल 3 लोग के जानकारी थी जो यहाँ पर हैं। घटना में ये भी पता लगा कि ये दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार भी हैं और विगत कुछ समय पूर्व इनके बीच में जमीन का विवाद भी हुआ था। थाने स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 151 की कार्रवाई लगभग 3 सप्ताह पहले वृंदावन थाने पर की गई थी और आज क्योंकि दोनों पक्षों के अंदर कशीदगी अभी भी थी तो ये प्रकाश में आया कि इस तरीके से ये जो इनके परिचित लोग हैं वही यहाँ पर आए हैं। कॉम्बिंग हमारे को चल रही है और हमारी एसओजी की टीम क्षेत्राधिकारी और कई थानों की टीम यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही है। आगे यमुना से किनारा मिलता है आगे भी हम लोग पता करें कि बोट इत्यादि किस तरफ जाती है और नाम प्रकाश में आ गए क्योंकि इन्हीं के रिश्तेदार हैं शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या सर इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका ये कहना है कि ये पूर्व में इनके बीच में इनका आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि अभी हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया पूर्व में ही झगड़ा हुआ था तब तो 151 की कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त इनका यानी कि अभियुक्त पक्ष का या उनके और परिवारजनों का क्या आपराधिक इतिहास है इसको चेक